हे प्रभु, हे जगन्नाथम, ये क्या हुई? मैच शुरू होते ही ख़त्म हो गई। भाई साहब, ऐसे कोई मैच खेलता है? 167 रन मात्र 9.4 ओवर में चेज हो गया। तालियां बजनी चाहिए, ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के लिए। पूरा मैच जिसने लाइव भी देखा होगा उसे भी ये मैच किसी हाईलाइट से कम नहीं लगा होगा। चौके छक्के की तो बारिश हो रही थी बारिश। आज पेट कमिंस अपना जन्मदिन मना रहे थे तो कमिंस ने बोला होगा, भैया मैच के बाद ज़बरदस्त पार्टी है। ट्रेविस और अभिषेक ने बोला होगा, भैया जल्दी से मैच निपटाओ और पार्टी में भी जाना है। वैसे यह मैच जीतकर एसआरएच ने पेट कमिंस को शानदार बर्थडे गिफ्ट भी दिया है। कमिंस भी खुश होंगे ऐसा गिफ्ट पाकर। खैर, एसआरएच ये तगड़ी जीत के बाद पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर में आ चुकी है। अब उसे दो मैचों में एक मैच जीतना है और प्लेऑफ में एक सीट बुक हो जाएगा एसआरएच के लिए। इस आईपीएल सीजन में एसआरएच अपना फुल डोमिनेंस दिखा रही है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। आप बात कीजिए सबसे तेज 50 रन बनाने की। इस मैच में ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 50 रन बनाते हैं, वहीं अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 50 ठोक देते हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो आज तो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा पार्टनरशिप देखने को मिला। बात करें 10 ओवर में बने सबसे ज़्यादा रनों की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पोजिशन में सिर्फ एसआरएच बैठी है। आज एलएसजी के सामने 167 रन 9.4 ओवर में, वहीं दिल्ली के सामने 10 ओवर में 158 रन, एमआई के सामने 148 रन। एसआरएच इस आईपीएल सीजन में अलग ही अंदाज में खेलने उतरी है। आज अगर एलएसजी 300 का टारगेट देती तो वो भी चेस कर देती है एसआरएच। ट्रेविस हेड 30 गेंदों में 89 रन बनाते हैं, 8 चौके और 8 छक्के जड़ देते हैं। वहीं उनके साथ बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा 28 गेंदों में 75 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं, 8 चौके 6 छक्के जड़ते हैं। अभिषेक शर्मा को इस तरह खेलते देख ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य काफ़ी अच्छा है। 9.4 ओवर में 167 रन, मैच खत्म। ये जीत नहीं, हैदराबाद की गूंज है। उन टीमों के लिए अलार्म है, अल्टीमेटम है, ये हैदराबाद 2.0 है। हैदराबाद की इस पारी के लिए दो लाइन कहना चाहूँगा कि मैं वह किताब का पन्ना नहीं जो बदल दिया जाऊँगा, मैं वह दौर हूँ जो क्रिकेट के हर किस्से में दोहराऊँगा। क्या ऐतिहासिक पारी खेली है अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने।